नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। आज हम अरबी के पत्ते की सब्जी बना रहे हैं जो कि खाने बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो उसके लिए हमने अरबी का पत्ता लिया है, तक करने का पत्ता ही बोलते हैं। हमने दो पत्ते लिए हैं, कितने अगर आपके पास छोटे पत्ते हो तो आप छोटे ले सकते हैं, अगर बड़े हैं तो बड़े ले सकते हैं। हमने इसको आम इसकी डंडी जो है आपको तोड़ के बताते हैं, हमने एक की तोड़ दी थी, इस तरीके की हम डंडी इसको निकाल देंगे। तो अरबी के कन्ने के पत्ते बनाने के लिए हमने 200 ग्राम बेसन लिया है, साथ में लिया है हमने 3 से 4 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हमने पिसा धनिया लिया है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है। अमचूर पाउडर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अरबी का पत्ता हुआ तो मैं गले में और जीभ में काटता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम सूखे मसाले पिसे मसाले डाल देंगे सारे। इसे हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, इसे हम दरदरा रखेंगे। इसमें हमने हल्दी नहीं डाली अभी। इसी के साथ में हम लहसुन की कलियाँ, लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल देंगे। इसको हमने पीस लिया है। हम लेंगे एक बाउल, बाउल में हम बेसन डालेंगे, बेसन के साथ में जो मसाला था हम उसको डाल देंगे। इसके साथ में हम हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग डालने से जो हमारे अरबी के पत्ते हैं उनकी बादी निकल जाती है, तो हम हींग ज़रूर यूज़ करते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, अगर हम पतला बैटर बनाएंगे तो पत्ते पर लगेगा नहीं और बिखर जाएगा सारा। देख, बैटर हमें इस तरीके का चाहिए, बैटर हमारा बन के रेडी है। हम लेंगे एक परात, परात पे हम रखेंगे अपना जो अरबी का पत्ता। अगर आपके पास छोटा पत्ता हो तो आप छोटे बर्तन पे यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अरबी का पत्ता बड़ा है, हमने लिया है यहाँ पे। तो अब हम जो मसाला बनाया था हमने उसको हम लगा देंगे अच्छे से, इसमें सारी अच्छे से लगाएंगे, पूरा भर देंगे इस पत्ते को ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पत्तों में लग सके। इसमें बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। इसको हम ऐसे लगाएंगे बिल्कुल फेविकोल की तरह, जैसे हम लगाते हैं और पत्ते को हम मोड़ते जाएंगे और बैटर लगाते जाएंगे, अच्छे से लगाएंगे हम इसको। हम इसलिए ऊपर से बैटर लगाए ताकि पत्ता चिपका रहे और खुले ना। हमने दोनों पत्ते, एक पत्ता लिया है उसके और हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है क्योंकि जिस पत्ता बड़ा था, हमने आपको दोनों तरीके बताए हैं इसमें। इसी के साथ में हमारा रोल बनकर रेडी है। इसी के साथ में और जो पत्ता है उसको भी हम अच्छे से लगा देंगे लेप, इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सारे पत्ते हमारे अच्छे से फोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको चाकू से काट लेंगे, जो हमारा बड़ा पत्ता था उसको अच्छे से हमने सारे रोल बना कर रेडी कर लिए हैं। इसको हम धागे से कवर कर, धागे से बांध लेंगे। धागे से बांधने से क्या होगा, जो खुलेंगे नहीं और खुल जाएंगे तो इसका जो मसाला है, बैटर है, बेसन है, वो सारा निकल जाएगा और बिखर जाएंगे, इसलिए हम इसको धागे से बांध के बनाते हैं। इसी के साथ में हमने सारे बांध लिए हैं, इसके साथ में हमने एक एक करके हम सारे बांध लिए हमने। इसके साथ में हमने लिए कढ़ाई, कढ़ाई में हम थोड़ा दो कटोरी पानी लेंगे। हमने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, हमने ली है एल्युमिनियम की कढ़ाई, हमने इस तरीके की छलनी ली। आप चाहे तो स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पानी में पका कर भी बना सकते हैं, लेकिन हम भाप में पका रहे हैं इसको। पानी गर्म हो चुका है तो हमने छलनी ली है, हम उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, तेल से जो हमारा जो पत्ते हैं चिपकेंगे नहीं। हमने अच्छे से हम इसको जो अरबी के पत्ते हैं उन रख देंगे अच्छे से सेट करके। इसे हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि जो अरबी के पत्ते हैं तो अंदर तक अच्छे से पक जाएगा, बेसन भी हमारा कच्चा नहीं रहेगा। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम इनको चेक कर लेते हैं। इनको एक प्लेट में निकाल कर ठंडे कर लेते हैं।
इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक प्याज, 3 टमाटर, हरी मिर्च ली है, इनको हमने पीस लिया है। हरी मिर्च और प्याज को हमने मिक्सी में पीस लिया, इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। हमारे रोल ठंडे हो चुके हैं तो हम इनका धागा निकाल के कट कर लेते हैं। कितने अच्छे से कट, ठंडे करने के बाद ही इन्हें काटें, अगर हम गरम गरम काटेंगे तो ये ख़राब हो सकते हैं। हमने इनको सारे काट लिए हैं अच्छे से। अब चलते, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से पका है। हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, तो कढ़ाई में मैं थोड़ा फ्राई करेंगे, फ्राई करने से इनका जो टेस्ट है और जो करारापन आ जाएगा इनमें, इसलिए हम इनको थोड़ा फ्राई कर, आप चाहें तो एक एक करके नॉनस्टिक कढ़ाई में ना फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने एक साथ फ्राई किया है ना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी साथ में हमारे फ्राई हो चुके हैं। हमने बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है इसमें। हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी कढ़ाई में हम थोड़ा तेल डालेंगे 2 चम्मच के करीब। इसमें हम टमाटर, इसमें हींग डालेंगे 1 चम्मच, 1 पिंच, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हरी मिर्च और टमाटर, हरी मिर्च का प्याज का पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया था, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि जो कच्चापन है, जब तक हमारी प्याज भून रही है तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं कटोरी में। तो हमने लिया कश्मीरी लाल मिर्च, इसके साथ में हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, इसी साथ में 1 चम्मच धनिया लिया है, इसके साथ में हमने लिया है सब्जी मसाला, यहाँ पर लिया है हमने चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। प्याज अच्छे से भून चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको हम 1 मिनट भूनेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट का जो कच्चापन है वो निकल सके। आप चाहें तो खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं अदरक लहसुन, इसमें हमने पेस्ट यूज़, हमने जो मसाला लिया था कटोरी में उसमें थोड़ा 2-3 चम्मच के करीब पानी डाल के इसको डालेंगे। अगर आप सूखे डालेंगे तो जल सकते हैं मसाले, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के यूज़ कर रहे हैं। इसको भी हम अच्छे से 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि जो मसाले कच्चापन है वो निकल सके। हमने मसाला भून लिया है अच्छे से 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसमें टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई थी हम उसको डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट, क्योंकि जो टमाटर है वो कच्चा है अभी, तो हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे तो इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो इसके साथ में हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ में हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर और यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ में अमचूर पाउडर डाल देंगे, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि जो मसाले में तेल छोड़ दे हमारी कढ़ाई में अच्छे से। हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। कढ़ाई में मसाले तेल छोड़ दिया है अच्छे से। इसको हम भूनते रहेंगे। आप मसाले जितना भूनेंगे उतना ही टेस्ट आएगा इसमें और स्वाद भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। हम इसमें पानी डालेंगे, पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम थोड़ी सूखी सब्जी बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, ग्रेवी जैसी आपको चाहिए तो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले में। हम जो पकौड़े बनाए थे जो हमने अरबी के पत्तों के, हम उनको रख देते हैं अच्छे से। इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना, मसाले के ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको मिक्स कर देंगे तो ये पत्ते हैं जो घुल सकते हैं।
एक एक करके ध्यान से रखें। तो मसाला अभी थोड़ा उछल रहा है तो आप उस हिसाब से धीरे धीरे हाथ से रखें, क्यों हाथ जल सकता है आपका। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।